मजीद से वीडियोस देखने के लिए प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन थैंक यू। बताना चाहता हूं कि आज का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ के 14th जनवरी सैटरडे 2023 आज का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ के मुंबई का नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान ये सोचता होगा दिली दिल में कि बहुत अच्छा हुआ मैंने इतनी पढ़ाई हासिल किया लेकिन ना मैं आईपीएस ऑफिसर बना ना मैं आईएएस ऑफिसर बना क्योंकि आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज कुछ ऐसी है। ये पढ़ा लिखा बच्चा सोचता होगा कि अच्छा हुआ मैं आईपीएस ऑफिसर नहीं बना क्योंकि फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई संजय पांडे उन्हें ईडी ने अरेस्ट करी उन्हें सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जज के सामने प्रोड्यूस करी क्योंकि उन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन शॉर्ट एनएससी की कोलोकेशन के स्कैम में उसको अरेस्ट किए और आज के टाइम्स ऑफ इंडिया पेज नंबर 108 पे लिखा हुआ है कि अब ईडी म्यूनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल से तहकीकात करेंगी कि किस तरीके से उन्होंने कोविड के दरमियान इतना बड़ा 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उस एजेंसी को दिए जो मुंबई महानगर पालिका से रजिस्टर्ड ही नहीं थी और कॉन्ट्रैक्ट देने के एक साल बाद एग्रीमेंट साइन हुआ और उस पर सोने पे सुहागा विदाउट साइनिंग एनी एग्रीमेंट विदाउट हैविंग एनी नॉलेज उस अनरजिस्टर्ड फर्म को उस अनरजिस्टर्ड कंपनी को बीएमसी ने 32 करोड़ रुपया ग्रांट की थी। किसा पूछेंगे क्रिश सुमैया जो बीजेपी के लीडर है इन्होंने लास्ट अगस्त 2022 एक एफआईआर रजिस्टर्ड करी आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में जिसमें उन्होंने बताया कि लाइकना हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज जिसके ये जो चार पार्टनर है हेमंत गुप्ता सुजीत पार्कर संजय शाह और राजू सालुंखे तो ये जो सुजीत पार्कर है ये जो शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संजय रावत का करीबी दोस्त है और ये जो लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज है इनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था कोविड के दरमियान में कोविड हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ये बीएमसी में रजिस्टर्ड एजेंसी भी नहीं थी इनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रिकॉर्ड भी नहीं था उसके बावजूद 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था इस मैनेजमेंट सर्विसेज को। तो क्रिश सुमैया की कंप्लेंट में आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में इंस कंपनी के पार्टनर्स के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ और उसी एफआईआर की बेसिस पे अब ईडी आगे की तहकीकात कर रही है और अब वो ना सिर्फ इकबाल सिंह चहल म्यूनिसिपल कमिश्नर मगर देगर ऑफिसर्स ऑफ बीएमसी उनसे तहकीकात करेंगी कि आपने कैसे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उस एजेंसी को दे दिए जिसके पास पास्ट कोई रिकॉर्ड नहीं था और सबसे बढ़ के बाद पूरे इंडिया में लॉकडाउन हुआ था 22 मार्च 2020 और इस कंपनी को अवार्ड मिला है इतने 100 करोड़ का जून 2020 और उस पे इनको एडवांस पेमेंट भी दी गई थी 32 करोड़ रुपए। न्यूज़पेपर के आखिर में बताया कि लास्ट फरवरी वाइल इन्वेस्टिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट संजय रावत ईडी हैड सर्च द प्रमाइसेस ऑफ हिज क्लोज एसोसिएट्स। फरवरी लास्ट ईयर में जो संजय रावत पे ईडी का केस रजिस्टर हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग का और जो ईडी उसके ऑफिसर जो संजय रावत के करीबी थे उनकी ऑफिसेज घरों पे छापे मार के तहकीकात कर रही थी इंक्लूडिंग सुजीत पार्कर तो वहां पे ईडी को कुछ दस्तावेज मिले जिस पे
पार्कर की साइन थी जिसपे बताया गया था कि उसने बीएमसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसके बेसिस पे ईडी आगे की तहकीकात करी तो पता चला कि ये पार्कर ने 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था बीएमसी के साथ। तो अब ये तो पर्दाफाश हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि अब इकबाल सिंह चहल पे भी ईडी की सख्त एक्शन होगा और बहुत ही मुमकिन है, बहुत ज्यादा मुमकिन है। जिस तरीके से संजय पांडे अरेस्ट हुए थे, बिहाइंड द बार गए थे ईडी के केस में, तो हो सकता है कि इकबाल सिंह चहल भी अरेस्ट हो जाए।